जब तक लिए हम लोग भाजपा के साथ थे तब तक तो लिए तो सभी चीजें अच्छी थी, और अब हम जब महागठबंधन में आ गए हैं तो सारी कमियां नजर आती हैं। उन्होंने गलती की शराब पी करके, उल्लंघन किया, तो ह्यूमन राइट का तो यहाँ वायलेशन का प्रश्न नहीं है। बिहार के सारण में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद बिहार की सियासत तेज है। एक और विपक्ष लगातार मुआवजे की मांग को लेकर सरकार को घेरती नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर एनएचआरसी की टीम बिहार पहुंच चुकी है। एनएचआरसी की टीम के बिहार पहुंचने पर बिहार के मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार का कहना है कि जो व्यक्ति शराब पीकर मर चुका हो या शराब पीने से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है। तो आखिर क्यों एनएचआरसी की टीम बिहार पहुंची है, क्या कुछ कह रहे हैं सुनील कुमार, पहले सुनिए आप। लेकिन कंपनसेशन का यहाँ प्रावधान नहीं है, इसलिए कि एक्ट में नहीं है, और उन्होंने कानून का उल्लंघन भी किया और एक्ट में भी प्रावधान नहीं है। तो हम लोगों के हिसाब से यहाँ पर उन्होंने गलती की शराब पी करके, उल्लंघन किया, तो ह्यूमन राइट का तो यहाँ वायलेशन का प्रश्न नहीं है। लेकिन एनएचआरसी अगर अपने दौरे पर आई है, उन्हें जो जांच करना है वो जांच कर सकती है, लेकिन वो स्वतंत्र है। क्या कहा जाए कि इसको मुद्दा बना रही है केंद्र सरकार अपने हिसाब से, ह्यूमन राइट का जब वायलेशन नहीं है फिर उस तरह की टीम को भेजना। देखिए ऐसा है कि जब तक लिए हम लोग भाजपा के साथ थे तब तक लिए तो सभी चीजें अच्छी थी, और अब हम जब महागठबंधन में आ गए हैं तो सारी कमियां नजर आती हैं। पूर्व में जब एक्ट पास हुआ था तो भाजपा के लोग सदन में, उन लोगों ने सर्वसम्मति से पास किया, अन्य पार्टियों ने पास किया, शपथ लिया उन्होंने, और लेकिन अब सारी कमियां नजर आती हैं। तो जब साथ थे तब भी बोलना चाहिए, तो जो मुआवजे की मांग है वो तो उचित नहीं है। और मेरे ख्याल से जो एनएचआरसी का भी मुद्दा है वो भी हमारी समस्या और सरकार की समस्या उचित नहीं है। तो आपने सुना कि सुनील कुमार ने साफ लफ्जों में कहा है कि शराब पीने से अगर मृत्यु होती है तो वो मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है। तो आखिर क्यों एनएचआरसी की टीम बिहार पहुंची है? बिहार ही नहीं, देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां शराब से मृत्यु होती है, वहां पर एनएचआरसी की टीम क्यों नहीं पहुंचती? आखिर बिहार ही क्यों, बिहार में ही क्यों एनएचआरसी की टीम पहुंची है अगर बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है? तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें फर्स्ट बिहार के साथ। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।